तो आज हमारी एक्सेल की फर्स्ट क्लासेज है। हम आपके साथ शाम के 7 बजे हैं और एक्सेल का फर्स्ट क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है ना सर, आप भी बिगनर हैं एक्सेल के लिए। बेसिक्स आपको हम लेके चलेंगे क्योंकि एक्सेल की इससे पहले आपको एक्सेल कितना आता है, क्या आता है, इस चीज को जानना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेके चलूंगा ताकि आप जो जी है मतलब कि हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस लेके चले। सबसे पहले इस बात को समझिए कि नीड हमें एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नीड क्या है। देखिए एमएस ऑफिस, इसने माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक पैकेज दिया है जिसका नाम है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस इट मींस कि आपको ऑफिशियल वर्क करते समय जिन जिन टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो एमएस ऑफिस के अंदर डाला गया है और उसका नाम एमएस ऑफिस रखा गया है। वरुण जी हेलो सर। हाँ ओके, बस आप 2 मिनट भी लेट हुए, स्टार्ट ओके ओके लेट करके बस स्टार्ट ही कर रहा था। आपको मेल नहीं मिला हाँ, आपका ईमेल एक्चुअली मुझे लेट आया, स्पैम फोल्डर में चला गया, पर नो प्रॉब्लम, मिल गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। तो वरुण जी आपके साथ पंकज जी ज्वाइन है, पंकज वरुण हाँ जी है मियामी से। तो चलिए ओके हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके बैच हाँ के है, आप दोनों का बैच में मर्ज कर दिया है। तो मैं ओके डिस्कस कर रहा हूं नीड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमें नीड क्या है, जरूरत क्या है। राइट तो बेसिकली जब हमें एमएस ऑफिस नाम का एक पैकेज दिया है। अब पैकेज मतलब क्या हाँ हुआ, क्लब ऑफ एप्लीकेशन, कई सारे राइट एप्लीकेशन को क्लब करके एक पैकेज बनाया जिसका नाम एमएस ऑफिस रखा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मतलब कि इसके अंदर में वो सारी चीजें इंक्लूड की है जो कि एक ऑफिस में काम करते समय एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक एग्जीक्यूटिव, एक मैनेजर, एक डायरेक्टर, एक सीईओ को जरूरत पड़ता है। जैसे कि वर्ड, लेटर ड्राफ्टिंग के लिए वर्ड का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंटेशंस कुछ बनानी है तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है, मेलिंग्स मेल्स को हैंडल करना है, मेल्स को लाना, मेल्स को भेजना तो आउटलुक का इस्तेमाल करना है, और डेटा को हैंडल करना हो तो एक्सेल। तो एक्सेल को हम एक डेटाबेस नहीं कहेंगे कि दिस इज ए डेटाबेस। क्यों? क्योंकि डेटाबेस की बहुत सारे नियमों और शर्तों पे ये खरे नहीं उतरता है, लेकिन स्मॉल डेटा को हम यहाँ रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। स्मॉल डेटा इट मीन जैसे कि 50,000, 60, 10 लाख, 50,000, 60, 2 लाख, 3 लाख का डेटा हो, रो ऑफ का डेटा हो, 2 लाख के मतलब कि 2 लाख रो, नंबर ऑफ रो का डेटा हो, तो इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। तो एक्सेल को बनाया गया है किसके लिए, डेटा के ऊपर एनालिसिस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए और शेयरिंग के लिए। मान लीजिए कि वरुण जी आपको कोई राइट इंफॉर्मेशन, डेटा क्या होता है, क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? राइट अगर डेटा के हम डेफिनेशन निकालें तो उसको क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो अगर हाँ आपको किसी को डेटा, कुछ पर्टिकुलर डेटा को शेयर करना हो, तो अब मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां डेटाबेस के लिए सैप इस्तेमाल करती है, आपको क्या बोलते हैं, ऑरिकल इस्तेमाल करती है, एसक्यूएल इस्तेमाल करती है, ऐसे बड़े बड़े डेटाबेस इस्तेमाल करती है, तो क्लाइंट को सैप की नोट फाइल उठा के थोड़ी भेजेगा क्या? क्योंकि राइट सैप की फाइल उठा के भेजेगा तो एक्सेस ओपन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास भी सैप होना चाहिए। तो एमएस ऑफिस का जो ये आपका एक्सेल है वो हर किसी में मोस्टली होता ही है। अगर नहीं हुआ तो गूगल सीट पे ओपन कर लेगा, एक्सेल व्यूअर पे ओपन कर लेगा, ओपन ओआरजी करके फॉर्म है प्लेटफॉर्म, उस पे ओपन कर लेगा। इसलिए एक्सेल को शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया। तो एक्सेल का इस्तेमाल किस पर्पज से हुआ? पहला हुआ
स्मॉल डेटा स्टोरेज के लिए या मिसलेनियस डेटा। अब मान लीजिए कि आप टैली इस्तेमाल करते हो, आपने डेटा आपने जो है अपने पास जो है टैली में आप एक आपका सेक्टर अकाउंट से है और पूरा का पूरा डेटा आप टैली पे रखते हो। लेकिन क्या बात है कि मान लीजिए कि आपके पास मिसलेनियस खर्चे हैं, जैसे कि फोटो स्टेट कराना, टैक्सी का बिल देना, ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मोटे खर्चे के लिए आप इसमें टैली के अंदर में लेजर तो नहीं बनाओगे ना, या शायद फिगो के अंदर में लेजर नहीं बनाओगे, या एम्प्लॉय की अटेंडेंस हो गया, या फिर कुछ ऐसे ही लिस्ट ऑफ कुछ ऐसी चीज हो गई जिसका हम टेबल्स जो है अपने डेटाबेस में नहीं बना पाएंगे, उस ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है पंकज जी एंड वरुण जी? हाँ समझ गया। हेलो। हाँ सर ठीक है पंकज जी, समझ में आया आपको? हाँ जी सर आगे सर। पंकज जी आप अपने आप को म्यूट खुद से कर लीजिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से एक अजीब सी शोर टाइप का साउंड आ रहा है जिससे डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी सी। जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिए, आपके नाम के आगे जो ग्रीन कलर का माइक का सिंबल है उस पर क्लिक कीजिएगा तो म्यूट, वापस क्लिक कीजिएगा तो अनम्यूट हो जाएगा। तो हम डेटाबेस के तौर पे एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं कि मिसलेनियस डेटा स्मॉल डेटा इस्तेमाल करते हैं। ए मिसलेनियस और स्मॉल डेटा किस केस में? जब हम एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं। लेकिन आपकी एक छोटी सी कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी है, उसमें आप इसको एज अ डेटाबेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरी बात करें, मेरी छोटी सी ट्रेनिंग सेंटर है, तो मैं अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए SQL, Oracle और SAP को अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी तरह ऐसे लोग जो कि जिनके पास SMEs, स्मॉल मिनियन इंटरप्राइजेस, जिनके पास बल्क डेटा ज्यादा डेटा नहीं होता है, हाईएस्ट लाख दो लाख तक डेटा जाता है, तो वो लोग डेटाबेस के तौर पे एक्सेल का ही इस्तेमाल करना पसंद करते। दूसरा एक तो पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि एक्सेल को हम डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा के लिए। इसको हम डेटाबेस नहीं बना सकते क्योंकि इसकी लिमिटेशंस है, क्योंकि इसमें 10 लाख की रो है और डेटाबेस की सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म कोई फॉलो नहीं करता है। दूसरा पूछा जाता है एनालिसिस, कि अगर आपको इसको एनालिसिस करना है तो इसको आसानी से किया जा सकता है। एनालिसिस हुआ, कैलकुलेशन हुआ, इस पे आसानी से की जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट्स की, तो एक रिपोर्ट हम आपके सामने खोलते हैं, कोई भी एक रिपोर्ट हम उठाते हैं, उस रिपोर्ट को हम खोलते हैं, चलिए एक रिपोर्ट को हम खोला। तो रिपोर्ट्स क्या होता है? अगर हम रिपोर्ट्स की डेफिनेशन दें कि रिपोर्ट्स क्या है, तो रिपोर्ट्स होता है समरी ऑफ द डेटा, कि किसी न किसी एंगल पे उसको हम समराइज और एनालाइज करके एक इंफॉर्मेशन तैयार, इंफॉर्मेटिक फाइल इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, दैट कॉल रिपोर्ट्स, राइट। तो आपके सामने इसी तरह का मेरा एक फाइनेंस का डेटा है, और फाइनेंस का डेटा में हमने यहां पे क्या है कि सेल्स ओवर टाइम, तो यहाँ पे पर्टिकुलर रीजंस है और यहाँ ईयर एंड क्वार्टर वाइज हमारे ग्राफ्स हैं जो कि बता रहे हैं कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है और एस्टिमेटेड कितना था और टारगेट क्या था। ये आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू का एक कलर है और एस्टिमेटेड का और ओरिजिनल रेवेन्यू का ही है, और ये जो आप देख रहे हैं ओवरऑल है, और इसी तरह से हमने अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग ईयर एंड क्वार्टर्स के लिए यहाँ पे हमने बना रखा है कि कितना हमारा एरिया पैसिफिक में कितना था, हमारा यूरोप में कितना है, आपका मिडिल ईस्ट में कितना था, एक फिगर है और इस फिगर में हमारा डिफरेंसेस है, अप एंड डाउन का चार्ट है, हमारा ग्रोथ का परसेंटेज है, इस तरह से हम ईयर वाइज यहाँ रखे।
तो एक इंफॉर्मेशन है जिसे हम अपने मतलब कि यूनिवर्सिटी वाइज इसको अलग अलग एंगल से कि हमने पहले रीजन वाइज हमने एनालाइज कर रखा है, हमने फिर प्रोडक्ट वाइज एनालाइज कर रखा है, फिर हमने एनालाइज कर रहा है इंडस्ट्री वाइज, और यहाँ पे हमारे फिल्टर से जो फिल्टर हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ये कैलकुलेट हो। तो ये सब चीजें किसके जरिए आई है, कैलकुलेशन के जरिए। हम अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेज को लगा के कैलकुलेट एंड समराइज करके डेटा को इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं ताकि हमारा डेटा यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। वरुण जी समझ में आ रहा है कुछ आपको? हेलो, हाँ बोलिए सर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। तो रिपोर्ट्स क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम अपने डेटा को समरी करके फिर उस समरी के ऊपर कैलकुलेशंस करके कैलकुलेशन करके और हम एक इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं। वो इंफॉर्मेशन हमारे जो कंसर्न टीम है वो इंफॉर्मेशन उनको हेल्प करता है एक डिसीजन लेने में, एक सही सटीक एंड क्या बोलते हैं सही फोरकास्ट की गई डिसीजन। अब जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल रेवेन्यू का हमने यहाँ पे दे रखा है कि भाई कंपनी ने क्या फोरकास्ट किया था और एक्चुअली में क्या हुआ इसका एनालिसिस। सेल्स जो है हमने क्या फोरकास्ट की थी, मतलब कि हमने अंदाजा लगाया था कि 1000 सेल्स हो जाएगा और हमारा सेल कितना हुआ, इन दोनों का कंपेयरिंग। अब इस कंपेयरिंग को ईयरली कंपेयर कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि हमारा फोरकास्टिंग सिस्टम कितना सटीक है, आप देख रहे हो ना। तो इससे हेल्प क्या मिला, हेल्प मिला कि क्या हम अगली जो हमारी फोरकास्ट है वो सही है या गलत है। अब फोरकास्ट सेल्स की फोरकास्ट पे डिपेंड करता है हमारा बहुत सारे चीज। मान लीजिए कि हमने अब मान लीजिए कि हम दिवाली में कैंडल बनाते हैं, एक कैंडल लाइन की कैंडल की फैक्ट्री है और कैंडल बनाते हैं। तो हमारा फोरकास्टिंग टीम ने बोला कि 2017 की दीपावली में मेरा जो है 900 क्वांटिटी का सेल, 900 बॉक्स ऑफ क्वांटिटी का सेल, ठीक है। और उसने अलग अलग मैंने कि सिटी के लिए भी बता दिया कि अंदाजन कि यहाँ पे 300 होंगे, यहाँ पे 200 होगा और यहाँ पे 400, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने 900 क्वांटिटी हमारा फोरकास्ट हुई है तो हमने 900 से 1000 के बीच में हमने अपनी प्रोडक्शन टीम को बोला कि भाई इस बार 1000 कैंडल का प्रोटेक्शन करना है। हमने रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स की मदद से हमने ये डिसीजन लिया कि 1000 के 900 फोरकास्ट कर रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते हैं ताकि कम ना। और फिर हमने 350 इधर दे दिया, 250 इधर दे दिया और बाकी जो बचा कितना बचा इसमें 600 और मैंने 400 या 450 यहां पे दे दिया। इस तरह से हमने एलिब्रेट कर लिया। अगर फोरकास्ट का सिस्टम गलत होगा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एनालिसिस ना हो कि 900 हमारा फोरकास्टिंग है तो क्या होगा कि हो सकता है कि हम जो है वो 500 ही बनाए या हम हो सकता है कि हम यहां पे 2000 बनाए और या हमने सही 1000 पीस ही बनाया लेकिन हम अपने अलग अलग सिटी को स्टॉक सही से नहीं दिया, हमने डीएल को जो है 700 दे दिया और इसको कम दिया। पता नहीं चला कि डीएल के पास 400 के स्टॉक रह गया लेकिन मुंबई में मतलब कि एमएस में स्टॉक घट गया। तो ये तो गलत मैनेजमेंट होगा और इससे कंपनी का नुकसान हुआ। नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास एक इंफॉर्मेशन नहीं। तो अगर वो एक्सेल के इंफॉर्मेशन एक्सेल के ऊपर अपने प्रीवियस सेल्स को एनालाइज करके एक फोरकास्ट बनाते कि भाई पिछले 10 सालों में मेरा सेल जो है 900 के आसपास रहा है, तो
इस बार भी 900 के आसपास ही रहेगा, तो हम प्रोडक्शन भी 900 के आसपास रखेंगे और उस सिटी में भी उसी हिसाब से हम सेल्स को देंगे या उसी हिसाब से हम अपने प्रमोशन है, इंसेंटिव है, ऑफर्स है, हम डिसाइड करेंगे। तो पता चला रिपोर्ट का मेनली यूज क्या होता है वरुण जी एंड पंकज जी? हाँ पता चला। रिपोर्ट्स का मेनली यूज क्या होता है? अगर आप अपने एचओडी को, अपने बॉसेस को अगर कोई रिपोर्ट्स मेल करते हो तो उस रिपोर्ट्स का क्या बेनिफिट होता है, ये पता चल गया? हाँ तो अब ऐसे रिपोर्ट्स को हम एक्सेल के थ्रू ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेल फ्लेक्सिबल है। अब मान लीजिए कि जो रिपोर्ट मैंने दिखाया, ऐसे रिपोर्ट बनाने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा लिया, उन्होंने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर दिया। अब प्रॉब्लम हुआ कि 6 महीने बाद मुझे कुछ चेंजिंग करने हैं, मुझे कुछ क्राइटेरिया और ऐड करना है या रिमूव करना है या उसके कैलकुलेशन को तब्दीली करना है, और फिर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को पकड़ूंगा कि भाई मुझे इसको चेंज कर। लेकिन अगर ये चीज हम एक्सेल में करेंगे तो क्या होगा कि हम खुद से उसको चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए एक्सेल का इस्तेमाल हम करेंगे। दूसरा कि अगर हम मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे लेकिन शेयरिंग के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए, रिपोर्ट्स को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमको तो एक्सेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि मान लो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से हमने बनाया अपना, लेकिन हो सकता है कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उनके पास ना हो, वो तो खोल ही नहीं पाएंगे। अगर हमने डेटा भेजना है तो हम नोटपैड में भी भेज सकते हैं, सीएसवी फाइल में भेज सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो फिर डेटा नॉन फॉर्मेटेड जाएगा, नॉन ऑब्जेक्टिव जाएगा, कि बिना किसी ऑब्जेक्ट ग्राफिक्स कर, बिना किसी ग्राफिक्स का जाएगा तो फिर वो अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल को इस्तेमाल करने का 2-3 मोटिव मैंने बताया। पहला मैंने बताया स्मॉल डेटा के स्टोरेज के लिए, दूसरा बताया मैंने आपको एनालिसिस के लिए, तीसरा हमने बताया आपको इजी टू मॉडिफाई, और चौथा हमने बताया आपको शेयरिंग के लिए कि हम शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम किसी को कुछ भेजेंगे तो हमको इस एक्सेल में भेजा तो हमको बिलीव होता है कि हाँ मेरा रिपोर्ट हर कोई देख लिया है। अगर एक्सेल नहीं भी है फिर भी वो गूगल सीट पे देख लेगा, जीमेल की सही जो गूगल सीट होती है उस पे देख लेगा, स्प्रेडशीट नाम का एक होता है। तो ये आपका एक्सेल का मोटिव था, तो मोटिव ऑफ यूजिंग द एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बढ़िया चीज, एमएस ऑफिस का सबसे बढ़िया चीज है एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मेरे हिसाब से कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसके पास एमएस ऑफिस का पैकेज नहीं होगा। अभी तक तो मुझे ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली जिसके पास एमएस ऑफिस का पैकेज नहीं। आप लोगों के पास मिले तो जरूर इंटीग्रेट कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में, इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में, तो दिस इज ए स्प्रेडशीट। मतलब कि लाला जी जो थे वो जो यूज करते थे हमारे रजिस्टर यूज करते थे ना, या फिर आपके स्कूलों में अटेंडेंस रजिस्टर हुआ करता था, दिस इज अ रजिस्टर बट डिजिटल मॉडिफाई एंड एडवांस। तो ये एक रजिस्टर है, ठीक है, तो रजिस्टर है। तो इसमें क्या है कि एक जब है इसमें बुक होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर फाइल जिसको हम लोग वर्क बुक बोलते हैं, और उस वर्क बुक में सीट्स होते हैं, वर्कशीट, और नंबर ऑफ सीट आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं। एंड एवरी शीट पे 10 लाख रो
10 लाख के आसपास, अबाउट 10 लाख कह सकते हैं, 10 लाख रो एंड 16,000 कॉलम्स होते हैं। मतलब कि अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स होता है 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 16,000। ठीक है, इतने इसके आसपास हमारा रो होता है। और हम जो डेटा स्टोर करते हैं एक पर्टिकुलर रो के अंदर करते हैं, एक सेल के अंदर करते हैं। जैसे हमने यहां पे कर्सर रखा तो यहां पे हम जो स्टोर करना है स्टोर करेंगे, चाहे वो डेटा टेक्स्ट हो, न्यूमेरिक हो, इसी के अंदर स्टार। वो डेटा दो ही तरह का होता है, खाए तो टेक्स्ट होता है तो न्यूमेरिक। और हम ऑब्जेक्ट जो यूज करते हैं वो हम किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर नहीं करते, ओवर दो सेल करते। ऑब्जेक्ट इट मींस कि हम चार्ट्स लेते हैं, ग्राफिकल्स लेते हैं, जैसे कि पिक्चर हो गया, स्नैप्स हो गया, इट दैट कॉल ऑब्जेक्ट। तो हम किसी इसके ऊपर लेते हैं और हर एक चीज का यहाँ आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हमने कर्सर यहाँ रखा हुआ है तो इसका एक एड्रेस, इसका एक आइडेंटिफिकेशन है, जैसे F colon and 16 हो, ताकि एक्सेल इसको लिंक कर सके, इसको रीड कर सके और इसको कैलकुलेट कर सके। जैसे मान लीजिए ना कि हमने यहाँ पे 50 प्लस 30 लिखा हुआ है, 50 प्लस 30। अब इसमें हम इसको इसमें प्लस करते हैं तो इस क्या हुआ, E5 प्लस F5। तो E5 मतलब E5 ऑफ द सेल की वैल्यू प्लस F5 ऑफ द सेल की वैल्यू एंड रिजल्ट विल बी अपीयर हियर। और हम यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे कि अगर हम 30 को 35 से रिप्लेस करें तो 45 रिप्लेस करते ही यहाँ हमारा फॉर्मूला विल बी अपडेटेड। तो अगर हम मान लीजिए कोई इमेजेस लेते हैं, कोई ग्राफिक्स लेते हैं, तो उसका भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है। मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल ले लिया तो इसका भी एक जो है रेक्टेंगल 1, दिस इज द यहां पे एड्रेस दिखता है मेन, इसका नाम रेक्टेंगल 1 है, समझे। तो हर एक चीज का नेमिंग है ताकि हम इसको एड्रेसिंग कर सके, क्योंकि तो बिना एड्रेसिंग तो दिक्कत हो जाएगा ना। और चीज यार से ध्यान रखिए एक चीज और, कि एक्सेल के अंदर ही नहीं कंप्यूटर के अंदर ही अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता है, इसकी लिमिटेशन डिफाइन नहीं होती है कोई बहुत सारे ऑप्शन की, लेकिन वो आपकी सिस्टम की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब आप लोग क्या करें कि हर फीचर की एक मैक्सिमम लिमिट है, जैसे कि यहां इसकी रो कितने हैं 10 लाख है, इसके कॉलम कितने 16,000 है, कितने सेल होंगे, सेल में कितना कैरेक्टर टाइप होगा, हर एक चीज की लिमिट डिफाइन है। तो इस लिमिट का लिस्ट कहां, तो यहां ऊपर दिख रहा है टेल मी मोर, या फिर एक्सेल हेल्प के लिए आप F1 का बटन दबा सकते हैं, F1 अपने कीबोर्ड का F1 का बटन, ये आपका एक्सेल हेल्प खोलेगा। यहां भी आप सर्च कर सकते हैं लिमिट्स, यहाँ पे सर्च कर दी लिमिट यहाँ जाएगा इस, या फिर यहाँ सर्च बार जो निकले आप यहाँ भी लिमिट को सर्च कर सकते हैं। एक्सेल फिक्शन एलिमेंट, तो गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, एक्सेल हेल्प में मिल जाए। एक्सेल हेल्प को क्या कह सकते हैं, यूजर मैनुअल। हर प्रोडक्ट का एक यूजर मैनुअल होता है, ये हमारा यूजर मैनुअल। ठीक है, तो यूजर मैनुअल आप यहां से इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। दूसरा हमारा शॉर्टकट, शॉर्टकट मतलब कि शॉर्टकट सिर्फ एक्सेल ही नहीं, हर एप्लीकेशन में होता है। हम हर एक ऑप्शन जो मेन्यू बार में दिया हुआ है उसको हम इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा उसका एक शॉर्टकट होता है कि इसको सिलेक्ट किया एंड जैसे हमने कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल सी शॉर्टकट, हम शॉर्टकट से इस्तेमाल करते हैं।
सर्वे में ऐसा पाया गया है कि अगर आप एक्सेल शॉर्टकट से यूज करते हो तो आपकी माउस की अपेक्षा 30% की स्पीड बढ़ जाती है। एक तो ये हुआ, दूसरा अगर आप मान लीजिए किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपको एक्सेल टेस्ट के लिए बोला, तो आप एक्सेल बैठ के और पूरा काम कीबोर्ड से कर रहे हैं, खटाखट 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 एकदम कीबोर्ड में आवाज आ रही है, तो सामने वाले पे एक इंप्रेशन बनता है। ठीक है, तो शॉर्टकट लिस्ट लेने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करें तो आ जाएगा, या दूसरा सर्च बार में सर्च करें, यहां आपका एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की, यहां आपके शॉर्टकट्स। तो एक बार इन शॉर्टकट्स को पढ़ो, तभी आपको क्या करना है, एक्सेल की लिमिटेशंस को पढ़ना है और एक्सेल के शॉर्टकट्स को पढ़ना है। और फिर टाइम मिले तो हमारे पास टेम्पलेट होते हैं फाइल के न्यू में, इन टेम्पलेट को भी एक बार देख लीजिएगा। टेम्पलेट मतलब कि बने बनाए एक फॉर्मेट दिया है कि हम एक्सेल में ऐसे ऐसे चीजें बना सकते हैं, तो इसको भी एक बार डाउनलोड करके एनालाइज कर लीजिएगा ताकि आपको स्कोप मिलेगा कि आखिर आप किस तरह के काम और किस तरह की चीजें बनाओगे एक्सेल में। ठीक है वरुण जी एंड पंकज जी, तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमने क्लासेस ली, किस तरह से हमने एक्सेल की बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया। तो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में बच्चे आते हैं, ज्वाइन करते हैं और लाइव होता है, इंटरेक्टिव होता है और हर क्वेश्चंस को हर आंसर को अपने साथ करते हैं इस गोटू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आप लोग भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, वहां पे आप जाके मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, सेल फोन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी डीवीडी भी आप परचेज कर सकते हैं, इसी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होती है और हर क्लास की रिकॉर्डिंग्स हम बच्चों को देते हैं ताकि आपको एक एक चीज को नोट करना ना पड़े। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने फ्रेंड्स को भेजना मत भूलिए। जितने ज्यादा लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देखेंगे उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।